पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम केंद्र सरकार की उस याचिका पर उठाया है जिसमें तमिलनाडु की जयललिता सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई की बात कही गई थी। आज इस मामले पर फैसला सुनाया जाना था लेकिन अब ये मामला कुछ और वक्त के लिए टलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को आगे बढ़ा दिया है। अब संवैधानिक पीठ इस मामले पर चर्चा करेगी और जो भी न्यायोचित निर्णय होगा वो इस पर लिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ वीके ओरी जी जुड़ गए हैं इस खबर पर और साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट विनोद अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीनियर एडवोकेट विनोद अग्निहोत्री, पूरे मामले को संवैधानिक पीठ को रेफर करने का मतलब क्या निकाला जाए? क्या क्या कानूनी दांवपेच इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं कि इस पे आज फैसला नहीं सुनाया जा सका? देखिए, पहले तो ये गलती सुधार लीजिए, मैं सीनियर एडवोकेट नहीं हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, अमर उजाला अखबार का कंसल्टेंट एडिटर हूँ। माफ कीजिए, तो मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक पत्रकार हूँ। तो इसको सुधार लीजिए बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि ये मामला चूंकि दो राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय था, इसमें विवाद, राज्य सरकार ने उनकी सजा जो है उसको माफ कर दिया था और जबकि केंद्र सरकार का इसमें कहना है कि ये केंद्र का विषय है, ये एक विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था और ये संविधान का मसला है, राज्य और केंद्र के अधिकारों का मसला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक पीठ को सौंपा है जो इसमें उचित फैसला लेगी। जी बिल्कुल, कानून विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ओरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे संवैधानिक पीठ को भेजने का मतलब क्या है इस पूरे मामले को? इसका मतलब ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं, जो दो जजों के फैसले थे और वो उसको मानते हैं कि ये दो जजों का फैसला उचित नहीं होगा, एक बड़ी बेंच को रेफर किया जाए ताकि ज़्यादा जज बैठ के और इसका फैसला लें। इस कारण से ये अक्सर होता रहता है जब जज अपने आप को सक्षम नहीं पाते कि हम दो आदमियों की ओपिनियन ठीक नहीं रहेगी क्योंकि इस पर बड़ा कंट्रोवर्शियल लॉ डिवेल्प हो चुका है, तो इसे बड़ी संख्या वाले जजों की पीठ को भेजा जाए ताकि वो एक निर्णय ले सकें। ओरी साहब, एक बात बताइए, इसमें केंद्र सरकार ने एक पक्ष रखा था जिसमें कहा गया था क्योंकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने की है और ऐसे में सीबीआई की अनुमति के बिना इस पर अगर राज्य सरकार कोई निर्णय लेता है तो ये गलत है। कानून क्या कहता है इस मामले में? एक बात यह है कि सरकार, ये केस कौन सी सरकार का केस है? अल्टीमेटली जो क्राइम हुआ वो तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का विषय है और केस वहाँ रजिस्टर हुआ, वहीं पर कोर्टों का फैसला हुआ, तो उन कोर्टों के पास और वहाँ की सरकार के पास पूरा हक है कि वो फैसला ले सके। सीआरपीसी कहती है कि वो सरकार जहाँ जिसकी सरकार है उस सरकार का पूरा हक है कि किसी भी केस में वो फैसला ले सकते हैं, किसी को छोड़ने का, उसकी सजा को माफ़ करने का, सजा उस गवर्नमेंट के पास है। सीबीआई सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका काम है एविडेंस इकट्ठी करना और भेजना। हाँ, अल्टीमेटली केस जो था वो तमिलनाडु सरकार का था जिसको बाद में सीबीआई ने लिया और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन मिली तमिलनाडु सरकार की मर्जी से, अगर वो नहीं कहते तो नहीं मिलती। तो इस कारण से इसके अंदर सरकार मामला, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट का था और तमिलनाडु का हिस्सा क्राइम वहाँ पे हुआ था, इसलिए उनके पास पूरी पावर है कि वो फैसला ले सके। ऐसे में विनोद जी, क्या आपको ये लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों के टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब ये मामला संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया है? हेलो विनोद जी, बिल्कुल जी, वो जो है बात जो कह रहे हैं बिल्कुल कानून की दृष्टि से तर्कसंगत और सही है, लेकिन इसके पीछे एक राजनीति है इस पूरे मामले में, वो राजनीति है तमिलनाडु की राजनीति, जो तमिलनाडु की जो तमिल राजनीति है, आप देखिए लिट्टे, ये एआईडीएमके और डीएमके बीच में श्रीलंका को लेकर के और लिट्टे को लेकर के एक राजनीति रही है। चूंकि राजीव गांधी की हत्या के आरोपी जो है, सारे अभियुक्त जो है वो लिट्टे से जुड़े हुए थे और जो तमिलनाडु श्रीलंका के जो तमिल हैं उनके साथ जो द्रविड़ पार्टियां हैं, जो तमिल पार्टियां हैं तमिलनाडु की, उनकी एक स्वाभाविक सहानुभूति रही है, उसके तहत ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसका एक राजनीतिक प्रश्न ये भी है, अगर सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या एक साधारण अपराध नहीं है, ये एक संवेदनशील मामला था, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक बड़ी पार्टी के नेता थे, देश के बड़े राजनेता थे और देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ मसला था, इसलिए इसमें केंद्र और राज्य के बीच का बड़ा संवेदनशील मसला है। आप कल्पना कीजिए, पंजाब के आतंकवाद के तमाम अपराधी, मान लीजिए
इंदिरा गांधी की हत्या का मामला था, वो तो खैर दिल्ली में हुआ था, बेन सिंह की हत्या का मामला इसी तरह जो मुख्यमंत्री थे वो पंजाब की धरती पर हुआ था, जम्मू कश्मीर में तमाम अपराध ऐसे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। अगर राज्य सरकारें इसी तरह राजनीतिक आधार पर फैसले लेने लगेंगी तो बड़ा संकट हो जाएगा, बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मुझे लगता है इस दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए कि जब कानून की दृष्टि न्याय नहीं मिला तो व्यक्ति को क्या न्याय मिलेगा, ये खुद राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद ये बयान दिया था। इस पूरे मामले पर वकील का क्या कहना है वो सुनते हैं। पहले कि यदि सुप्रीम कोर्ट को अकल है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भेजेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार एक ही रिलीफ मिल सकती है, उनको मिल गई है। उनको फांसी देना था, उनके फांसी नहीं दिया और कहा कि इस फांसी का जो सजा है उसको सस्पेंड करते हैं और ये जीवन भर जेल में रहेंगे, ये इसका अर्थ है। अब आप कहोगे कि हम सीआरपीसी में 14 साल से ज़्यादा आजीवन कारावास में रहोगे तो छोड़ा जा सकता है, ये इनका आजीवन कारावास का कोई दंड नहीं है, इनका तो फांसी का दंड है। फांसी का दंड को सस्पेंड किया गया इसीलिए ये कानून लागू नहीं हो सकता चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। और इसके फिलहाल वक्त एक छोटे से उनके फौरन हाजिर हमारे साथ बने हुए हैं विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट के खुले हुए हैं, निकाला जाए और क्या इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में आए आज सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले की। उन्होंने ये पूरा मामला संविधान पीठ को हवाले कर दिया है, अब संविधान पीठ इस पर निर्णय लेगा। हमारे साथ कानून विशेषज्ञ वी के ओरी जी जुड़े हुए हैं। आपसे समझना चाहेंगे, पी सतशिवम ने इस मामले में चीफ जस्टिस ने कहा था कि राज्य की ओर से कानूनी तौर पर प्रक्रियागत कहीं चूक हुई है, आपका अनुभव क्या कहता है कि वो चूक कहां कहां हुई है और क्या ऐसी वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये मामला एक बार फिर लटकता हुआ नजर आ रहा है? दो बातें इसमें डिफरेंट हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली जो सामान्य पीठ होती है वो दो जजों की होती है, और जिस मान लीजिए दो जज हैं और अपना अपना विचार अलग है तो केस का फैसला नहीं हो सकता, बड़ी बेंच को भेजना ही पड़ेगा। तो इस केस के अंदर अगर दो जजों का मत अलग अलग था तो उनको लगा कि हम फैसला नहीं दे पा रहे तो इस कारण से बड़ी बेंच को भेज दिया जाए, एक तो मसला ये है। भाई सुप्रीम कोर्ट के कमेंट की बात थी, वो एक क्वेरी आई थी उनकी तरफ से कि भाई इसके अंदर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो मामला है पेचीदा कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की थी तो इससे सेंटर के पास जाना चाहिए पावर या स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, इसी बात का फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी पावर सेंटर के पास है या स्टेट के पास है। बिल्कुल विनोद अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर शुरू से ही राजनीति की गई है और खास तौर पर बात यहाँ पर अगर जयललिता की जाए, हालांकि कल तमिलनाडु में चुनाव हो चुके हैं, पोलिंग हो चुकी है, लेकिन क्या इस पूरे मामले का असर इन इलेक्शन पर भी नजर आता अगर आज रिहाई होने या ना होने पर निर्णय साफ हो जाता? देखिए अब इसका असर कितना इलेक्शन में पड़ेगा ये तो मैंने किंतु कहा है को एक प्रश्न करते हैं, ये जो मामला था देखिए और जिस पूरा देश इसको सत्य के साथ तरह पिता जो है उस बहुत जो है गंगा जमुना मामले को लेकर के तमिलनाडु सरकार जो है निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसने एक फैसला किया कि अचानक उसने जो है सारे जो है जो अपराधी थे जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी फांसी की उनसे जो है वो अपराध वापस ले लिए, उनकी सजा माफ कर दी, तो ये एक बड़ा विवाद का विषय हो गया। उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले फैसला ही दिया था, चूंकि इतना समय लंबित हो गया है, राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका विचाराधीन रही, उसका फैसला नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने वर्षों तक जो आदमी मौत की सजा के इंतजार में बैठे रहे तो उसको हमने उम्र कैद में बदलने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप उनसे जो है वो वापस ले